हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुदोपहर, नमस्कार, राम राम। आज है 9 सितंबर 2020 और हम हैं मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था क्योटी वाटरफॉल और अभी हम लेके जा रहे हैं आपको चचाई वाटरफॉल। तो अभी हमें बहुत ज़ोर की प्यास लगी है और हम बहुत दूर से नल ढूँढ रहे थे। काम चल जाएगा ना? चल जाएगा। नल ढूँढ रहे थे, बहुत ज़ोर की प्यास लगी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त है। दीप्ति की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि ये बहुत परेशान है गर्मी से, वाकई बहुत परेशान है। हवा में ठंडक है लेकिन गर्मी बहुत तेज़ है, धूप सीधी पड़ रही है, बहुत तेज़ पड़ रही है। इस गांव का नाम है सिरमौर, पुलिस थाना सिरमौर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। चचाई जलप्रपात 9 किलोमीटर, पूर्वा जलप्रपात 18 किलोमीटर। तो आज हम ये दो जलप्रपात दिखाएंगे इस वीडियो में और उसके बाद चलेंगे चित्रकूट की तरफ। यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे? धूल धूल तो नहीं है? नहीं, धूल तो नहीं है, बारिश है। बारिश है, क्या है यार यहाँ पे, ये इस एरिया में धूल। हाँ, अरे ये क्या है, ये अजीब सा है। यहाँ तो वाटरफॉल ही तो नहीं है, वाटरफॉल का धुआं ऊपर उठ रहा हो। हाँ यार, कुछ तो है, जो भी कुछ है इंटरेस्टिंग है। पहुँचते हैं इसके नज़दीक और देखते हैं क्या है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है वो वाटरफॉल ही है वहाँ पे, और वाटरफॉल का जो वो होता है ना, नीचे जाके पानी जो गिरता है और उससे जो फुहारे बनती है, वो फुहारे हवा के साथ ऊपर उठ रही हैं। चचाई वाटरफॉल राइट में, यस, वाटरफॉल ही है। इसका धुआं जब इतना ज़बरदस्त है तो देखो यार क्या होता है यहाँ पे। होए होए, देख किस तरीके से बादल धुएँ फुहारे निकल रही हैं। ओए होए होए, बहुत गजब पानी आ रहा है इसमें तो। मैं मनीष भाई की लोकेशन देख लूँ, इसके चक्कर में तो हम भूल ही गए कि यार वो भी हैं। तो पहले तो हम मनीष भाई से ही मिलेंगे, वाटरफॉल बाद में दिखाएंगे। लाइव लोकेशन उनकी चली रही है, दिख रही है ना आपको? नहीं दिखनी चाहिए। आए आसपास ही हैं भाई, आसपास ही है। ये तो नदी के अंदर घुसे हुए हैं यार, ये तो नदी के अंदर घुसे हुए हैं, यहीं पे आसपास ही। अंदर ही लेके चलते हैं बाइक को, अंदर ही मनीष भाई हैं। फुहारे आ रही है यहाँ तक। ये हमारे मनोज भाई वाटरफॉल हमें दिखाने लाए हैं, फिर हम इनके ससुराल चलेंगे। ससुराल ही है ना? हाँ जी, ससुराल। मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये सरकारी रेस्ट हाउस है और 1953 में बना। मनोज भाई ने अभी बताया कि ये 1953 में बना था। इसका उद्घाटन करने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री। और आज तक इसमें बिजली नहीं है। और बिजली की कहानी मैं बताऊं, इसके बगल में ही एक वो है पावर प्लांट है, पावर प्लांट नहीं, क्या बोलेंगे उसे, हाइड्रोलिक पावर प्लांट, पन बिजली। तो ये वाटरफॉल है, इसी वाटरफॉल के पीछे कहीं डैम बनाया हुआ है और उसका पानी एक नहर के थ्रू आगे जा रहा है और यहाँ से 2-4-8-10 किलोमीटर दूर ये एक पावर प्लांट है। वाटरफॉल में पानी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त पानी है। इतना पानी बाकी दो वाटरफॉल में नहीं देखने को मिल रहा था। यहाँ से हवा भी चल रही है और नीचे से जो है ना फुहारे आ रही हैं, वो फुहारे हमें भिगो रही हैं और हमारे जो कैमरे वगैरह है, लेंस है, उन पे
पानी की बूंदें भी पड़ रही है, आपको दिख भी रही होंगी। यार कितने वाटरफॉल है यहाँ पे रीवा में। रीवा और एमपी टूरिज्म बड़ी आसानी से अपने रीवा जिले को वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे वो कर सकता है, प्रमोट कर सकता है। बहुत सारे वाटरफॉल हैं। फिलहाल चलते हैं मनीष भाई के, यार इनका नाम मनीष है मनोज है, मैं भूल जाता हूँ। चलो जो भी कुछ है भाई माफ़ करना अगर मैंने आपका नाम कुछ दूसरा कर दिया हो। फिलहाल चलते हैं मनीष मनोज भाई के घर पे। खतरा, इसका मतलब खतरा यानी, अच्छा वो पुल टूटा, अच्छा पुल कंप्लीट नहीं हुआ वो, तो इधर से पानी चल रहा होगा रपटे। हाँ इधर रपटे पे पानी चल रहा होगा, तो घूम के इन्होंने कहीं से बना रखा है। डैम के ऊपर से जाएंगे, मतलब वो डैम है ना सामने, उसके ऊपर से जाएंगे। अरे सामने मोटरसाइकिल के सामने तेने कौन सा फूल लगाया है? गुड़हल का फूल दिख रहा है क्या कैमरे वाले कैमरे में, वीडियो में दिख रहा है क्या भाई बताना जी, क्योंकि मेरा तो सारा ध्यान किचड़ पे है, किचड़ पे। आप लोग फूल देखो, बिहार बिहार बैराज। अच्छा मिट्टी का घर है बड़ा, तुझे कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है यार, ठंडा ठंडा। कहाँ इतना टूरिस्ट नहीं आते, बस दो महीना का है, क्योंकि घूमने के पर्पस से नहीं आते, बस घंटे दो घंटे रुकेंगे बस, हो गया उस हिसाब से नहीं है। रुकने की फैसिलिटी नहीं है ना, तो इसलिए नहीं आते। हाँ। अगर हमें पता चले कि यहाँ पे रुकने की फैसिलिटी है तो फिर हम रीवा जाके नहीं रुकेंगे। तो अगर यहाँ गांव में किसी के घर में हो जाए, जैसे है ना एक ही एक बेड हो जाए यहाँ पे बस, है ना, और उसके आप 50 रुपये 100 रुपये 500 रुपये भी दे देंगे लोग, घर का बना हुआ खाना, घर का बना हुआ खाना मिलेगा और लोगों को पता चलेगा कि भाई हाँ यहाँ पे इस गाँव में है रुकने की फैसिलिटी, तो फिर आएंगे लोग। इसलिए नहीं रुकते क्योंकि रुकने की फैसिलिटी नहीं है। अगर हो जाए, आपका कोई ज़्यादा खर्चा तो होना नहीं है, बस थोड़ा सा मेंटेन करना, एक बेड पड़ा हुआ है बस इसे ही मेंटेन कर देना है। बस ये बता देना है और उसे फिर इंटरनेट पे डाल देना। इंटरनेट पे तो आजकल सभी है, आप अभी फेसबुक चला रहे हो, आप भी फेसबुक, सभी लोग इंटरनेट जानते हैं, बस उससे फिर आने लगेंगे। ये गांव का नाम क्या है? ग्राम पंचायत चचाई। चचाई 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 वाटरफॉल से भी जानते हैं, ग्राम पंचायत चचाई है। ओके चलिए ठीक है, नमस्कार जी। यहाँ पे चचाई गांव में हमारा दाना पानी लिखा हुआ था। अब हम जा रहे हैं अपनी यात्रा का आखिरी वाटरफॉल देखने और उसका नाम है पूर्वा वाटरफॉल। पूर्वा वाटरफॉल देख के हम सीधे चित्रकूट की तरफ निकल जाएंगे। ये एमपी टूरिज्म ने ही कोई गेस्ट हाउस बना रखा है, लेकिन उनकी बुकिंग प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। हमने एक बार पातालकोट में, छिंदवाड़ा के पास एक जगह है पातालकोट, वहाँ पर हम पहुँच गए, खाली पड़ा था रेस्ट हाउस। उन्होंने कहा जी इतने किलोमीटर दूर जाके हमारा ऑफिस है, उस ऑफिस में बुकिंग होवेगी। ठीक है भाई, बाइक थी हमारे पास, हम पहुंच गए इतने किलोमीटर दूर ऑफिस में, ऑफिस का पूरा चक्कर लगा लिया, कोई ना दिखा। फिर क्या हुआ कि जब हम वहां से वापस चलने वाले थे, तब कोई अफसर टाइप का आया, उसके पास जंगल विभाग की लाल बत्ती थी, उससे हमने कहा, तब जाके बुकिंग हुई।
वाटरफॉल्स के सामने इस तरह के छोटे छोटे बड़े बड़े कुंड है। ये काफ़ी बड़ा कुंड है, ये काफ़ी बड़ी लेक है ये, लेकिन इनमें कोई कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है। साउथ इंडिया में चले जाओ तो इस तरह की लेक में, इस तरह के कुंडों में ना वो चलती है गोल गोल नावें, उन्हें बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते, मैं नाम भूल गया हूँ। तो यहाँ पे छोटी छोटी नावें चलाई जा सकती हैं, टूरिस्टों को वहाँ तक ले जाया जा सकता है। अभी तो चलो ज़्यादा पानी है, सर्दियों में कम पानी हो जाएगा, तो इसमें बोटिंग की जा सकती है बहुत अच्छे से, जिससे कि इस एरिया में टूरिज्म बढ़े। हमने चित्रकूट की दूरी लगा ली है, यहाँ से दूरी है 98 किलोमीटर और गूगल बता रहा है भैया 2 घंटे 18 मिनट लगेंगे। अभी जो है शाम के 5 बजे हैं, 6, 7 और 8, 8 बजे तक हम पहुँच जाएंगे चित्रकूट। सीधे रीवा, और ये रास्ता जो है, चलो निकल जाएंगे, गूगल में लग गया, निकल जाएंगे। ठीक है भैया, बहुत आनंद आया। ठीक है, हमारा घर बन रहा है, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, जनवरी फरवरी हम रहने लगेंगे अपने घर। ठीक ठीक, अगला जो टूर होगा तो उसमें स्टे वही करना है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक कमरा ऊपर बनवा लेंगे। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है भैया। अब भगा दो भाई यहाँ से चित्रकूट के लिए, चलो लगे हाथों मैं इनके वाटरफॉल के बारे में। वैसे मैं बात कर चुका हूँ, क्योंकि यार इतने भव्य वाटरफॉल हैं ये चारों, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े बड़े इतने भव्य वाटरफॉल होंगे। भाई बहुत हाइट है वाटरफॉल की, और ये भारत के किसी भी वाटरफॉल को टक्कर दे सकते हैं। ये बात ठीक है कि साल में केवल मानसून में ही इनमें ज़्यादा पानी होता है, लेकिन ये पूर्वा और वो चचाई पे तो चलो डैम बना हुआ है बिजली घर की वजह से, और ये पूर्वा जो हमने लास्ट में देखा है इसमें तो सर्दियों में भी पानी होता है। बाकी के जो 2 वाटरफॉल है हमने कल देखे थे, उनमें तो चलो सूख जाता होगा, चलो मान लिया सूख जाते होंगे, सूखने को तो हमारे छत्तीसगढ़ का चित्रकूट भी सूख जाता है, जो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है वो भी सूख जाता है गर्मियों में, तो गर्मियों की ऐसी कोई बात। लेकिन पानी तो देखो भाई कितना है, तो कहने को तो देखो एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है यहाँ पे पर्यटन को बढ़ाने की, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेवारी है लोकल लोगों की। आप जो है कोई भी जो है बड़ी आसानी से सरकार को दोष दे सकता है कि वो यहाँ पे टूरिज्म नहीं बढ़ा रहे, लेकिन लोकल लोग क्या कर रहे हैं? किसने, सरकार ने कोई होटल खोलने को मना थोड़ी किया है, कोई होम स्टे चलाने को, कोई होम स्टे खोलने को मना थोड़ी किया है। अगर आप भी इस एरिया में रहते हो या इस एरिया में कुछ कर सकते हो तो भाई करो, बहुत अपॉर्चुनिटी है। टूरिस्ट कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो उतने लोग आते नहीं हैं, उसके लिए इंटरनेट है, हर कोई आजकल सोशल मीडिया पे है, तो आप फेसबुक के माध्यम से अपना प्रचार कर सकते हो, इंटरनेट है, गूगल मैप है, और भी बहुत सारी साइट हैं, क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप वगैरह वगैरह, उनके माध्यम से, मतलब कि आप अगर कुछ करने लगोगे यहाँ पर तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि यहाँ कंपटीशन नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं कह रहा था कि अगर आप यहाँ पे रहते हो तो एक बेसिक सा कुछ सुविधाएं विकसित कर लो, आप अपने घर में कर लो, अच्छा सा टॉयलेट, अच्छी सी चादरें, अच्छी सी बेडशीट, बस यही सब, यही चीज़ें होती है इनमें, कुछ ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी होती। जो आपके पास है, जो 2-4 कमरे, बस वही कमरे मेंटेन करके रखने होते हैं, बन जाता है होम स्टे। फिर सरकार के पास जाके लेबर डिपार्टमेंट होता है या फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है, उनके पास जाके रजिस्ट्रेशन कर लो, रजिस्ट्रेशन बड़ी आसानी से हो जाता है। चलिए ठीक है, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में हम आपको चित्रकूट के आसपास के स्थानों की यात्रा कराएंगे और रात होने तक हम चित्रकूट पहुँच जाएंगे। आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। और इसी के साथ नमस्ते, राम राम, गुड इवनिंग, गुड नाइट।